और महाकाल टेक के साथ मैं तरुण और आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल महाकाल टेक में। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से जो है अपने मोहल्ले के आप किस तरह से वोटर आईडी लिस्ट को निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और आसान तरीके से सरकार के गवर्नमेंट के इस वेबसाइट के माध्यम से। तो चलिए देर ना करके हम दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से जो है वोटर लिस्ट अपने जो है मोहल्ले के निकाल सकते हैं। तो चलिए देर ना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया महाकाल टेक चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके मिलता रहे हमारी इस तरह की टेक्नोलॉजी जानकारी, यूजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक। चलिए फिर देना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय मतदान सेवा जो यहाँ पर पोर्टल है, तो इसका देखिए लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली जाकर के चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोहल्ले के जो है आप आसानी से कैसे उसका वोटर लिस्ट आसानी से अपने स्मार्टफोन से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है यहाँ पर डाउनलोड इलेक्ट्रल जो रोल PDF जो है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा विंडोज मिलेगा। पर दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेट, आप किस राज्य से है आपको इसमें किस राज्य से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बिहार सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे बिहार सेलेक्ट करो, बिहार सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको गो कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें गो करने के बाद देखिए ये नया पेज खुल जाएगा और नया पेज खुलने के बाद आपको जो डिस्ट्रिक्ट जो है आपका उस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं फिर आपका जो स्थान है आपको इसमें भी जो इसमें चेक करना पड़ेगा और इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका हिसाब से जो आपका इलाका रहेगा, जो आपका एरिया रहेगा, उस एरिया को आप तो पहचान जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए वाल्मीकि नगर जो है तो रामनगर करता हूँ। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो जिसका जो खास जगह यानी खास जो होता है उसके एक एक आप देखें पोलिंग बूथ होते हैं तो उसके माध्यम से तो जो आपकी है आप तो पहचान जाएंगे। तो इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा और साथ ही आपको करना पड़ेगा यहाँ पर एक कैप्चा, देख सकते हैं इस कैप्चा को आपको भरना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अपना कैप्चा भर लिया, अब मैं इसको क्या करूँगा व्यू में क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे व्यू में मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक नया फिर से पेज खुल जाएगा और इसमें देखिए शायद नंबर आज लिस्ट है, इफेक्ट कि मेरा डाउनलोड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3.10 MB का जो है आप देख सकते हैं, तो 2 MB डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं डाउनलोड होने के बाद देखूंगा कि आखिर जो है लिस्ट आया कि सच में या फिर नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा लिस्ट जो है यानी मेरे जो मोहल्ले के जो लिस्ट है यहाँ पर आ चुका है। तो आप इस तरह से जो है आप आसानी से जो है अपना लिस्ट निकाल सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से सिंपल सा जो है एक सिंपल पद्धति के माध्यम से जो है आप आसानी से जो अपनी जो है वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और ऐसे में आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो है, और इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे सपोर्ट करते रहते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इतना ही। धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम।